हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम खुशबू और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि एटलीस्ट आप 7 डेज में अपने 2 kg वेट को लूज़ कैसे कर सकते हो। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी मेरी एक सब्सक्राइबर ने, मैडी जोशी, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ मैं ये वीडियो अपलोड करूँ। तो मैं इतने दिन से ये वीडियो इसलिए अपलोड नहीं कर रही थी बिकॉज ऑफ मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। जो ही मैं ट्राई कर रही थी तो विदाउट रिजल्ट के कोई वीडियो ऐसे ही बना देना बेकार होता है, क्योंकि आप लोग वो ट्राई करोगे और कुछ उसका इफेक्ट नहीं आएगा तो उल्टा मुझे ही आप बोलोगे कि कैसा वीडियो है। दैट्स व्हाई मैंने एक ट्रिक अपनी सिस्टर के साथ की, बिकॉज ऑफ उसका वेट ज़्यादा है मुझसे, तो उसने अभी डाइटिंग स्टार्ट की है और मैंने ये ट्रिक उसके लिए अप्लाई की थी कि कैसे उसका वेट कम होता है या नहीं होता है 7 डेज में। तो ये ट्रिक काम आ गई थी, आज मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप अपने 7 डेज में एटलीस्ट 2 to 3 kg वेट को लूज़ कर सकते हैं। बिकॉज जब उसके ऊपर अप्लीकेबल हुआ तो आपके ऊपर भी अप्लीकेबल हो ही जाएगा। सो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। एंड गाइस, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो प्लीज़ आप रेड कलर के बटन को प्रेस कर दें और उसके साइड में जो बेल आइकन है इसे भी हिट कर दें। इससे आप कोई भी मेरे न्यू वीडियो से नोटिफाइड रहेंगे। एंड गाइस, मुझे पता है कि वेट किसी का बढ़ जाना बहुत ही उनके लिए अच्छा नहीं होता, और मेरी वेट लूज़ कम है तो मेरे लिए वो भी अच्छा नहीं है। तो मैं अपना वेट बढ़ा रही हूँ और मेरी सिस्टर वो अपना वेट लूज़ कर रही है। तो चलिए हम लोग बताते हैं कि कैसे आप कर सकते हो। सो गाइस, इस रेमेडी के लिए आपको चाहिए 1 glass वाटर, जिसे हम थोड़े से गर्म कर लेंगे एटलीस्ट 2 to 3 minutes के लिए गैस पे, और एक नींबू चाहिए और 1 tablespoon हनी चाहिए। तो आप गाइस ये भी बोलोगे कि ये तो रेमेडी मैंने बहुत सारे देख चुके हैं, तो उस पर मैं नहीं पता मुझे कि उन्होंने अप्लाई किया नहीं किया, बट मेरी सिस्टर ने ये यूज़ किया है एटलीस्ट 7 days तक और 7 days में उसके 2 kg लूज हुए हैं। तो इससे प्रूफ होता है कि ये रेमेडी यूज़ आती है। तो इसे क्या करना है, आपको लेमन, हाफ स्लाइस लेमन करना है और उस लेमन को अच्छे से इस वाटर में मिक्स करना है। एंड देन 1 tablespoon आपको हनी यूज़ करना है और इन तीनों का एक मिक्सचर अच्छे से रेडी कर लेना है। और इसे आप सुबह सो के उठते ही, जब भी आप फ्रेश हो जाए तो प्लीज़ आप खाली पेट में पिए, खाना खाने के बाद इसे ना पिए। इससे क्या होगा कि आपके बॉडी में ये कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। तो आप इसे खाली पेट पियोगे तो इससे क्या होता है कि आपके पेट में जितने भी होते हैं एक्स्ट्रा फैट, उसको ये रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करता है। और गाइस, आप मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप इसे ना पपाया भी खाया करें। सो गाइस, पपाया खाने से क्या होता है, पपाया हमारे जो ही बॉडी के एक्स्ट्रा फैट होते हैं उसे रिड्यूस करते हैं। दैट्स व्हाई आप किसी भी डाइट प्लानर के पास जाओगे तो आप वो आपसे एक चीज़ सजेस्ट करेंगे कि अगर आपका वेट कम है तो आप पपाया बिल्कुल ना खाएं, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप प्लीज़ पपाया खाएं। बिकॉज ऑफ पपाया से क्या होता है, जो पतले लोग होते हैं वो और पतले हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ उनके बॉडी का जो भी एक्स्ट्रा फैट होता है वो उसको रिड्यूस कर देते हैं। और जो फैट पर्सन होते हैं वो तो चाहते हैं कि उनके बॉडी के जो भी हम लोग के फैट रहे वो रिड्यूस हो। तो इसके लिए क्या किया, आप ना पपाया खाया करें, एटलीस्ट आप 2 to 3 slices खाएं, वो ज़्यादा इनफ है आपके लिए। और ये पानी जो भी मैंने बताया आपको रेमेडी, आप उसे अप्लाई करें। अगर आप इसे कंटिन्यूसली 7 days करेंगे तो आपको मैं 100% गारंटी देती हूँ, बिकॉज ऑफ मेरी सिस्टर ने इसे अप्लाई किया है। तो बिकॉज ऑफ गाइस, मेरी जब सिस्टर का यहाँ पे 2 kg वेट लूज हुआ है तो आपका भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ मैंने इसके रिजल्ट देखे हैं। दैट्स व्हाई मैं आपके साथ ये अपलोड शेयर कर रही हूँ। अदरवाइज इसका कोई फायदा नहीं होता कि मैं कोई ही वीडियो आपको कुछ ही बोल देती कि आप ये चीज़ ट्राई करो और आपका वेट अगर लूज ना हो तो वो बेकार ही हो जाता। दैट्स व्हाई मेरी सिस्टर ने इसे अप्लाई किया, उसके बाद मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप प्लीज़ इसे खाली पेट में अप्लाई करें। एंड प्लीज़ आप ब्रेकफास्ट करने से पहले ही पपाया खाएं, उसके बाद पपाया नहीं खाएं, क्योंकि क्या होगा कि आप खाना खाने के बाद करोगे तो जो आपके पेट में खाना होगा अब वो उसे रिड्यूस करेगा, उसके फैट को रिड्यूस करेगा, ना कि आपके पहले से जो बॉडी में फैट आ चुके हैं उसे रिड्यूस करेगा। तो आप पहले वाटर ये पिए जिसे मैंने बताया, आप लेमन और हनी का यूज़ करें, एंड नेक्स्ट आप उसमें पपाया खाएं। पर इन दोनों से क्या होगा, आप अगर एटलीस्ट 7 days के लिए यूज़ करोगे तो अपना वेट चेक करना 7 days पहले, जिस दिन से आप स्टार्ट करोगे उस दिन, और जिस दिन आपका 7 days कंप्लीट हो जाएगा उस दिन आप वेट करना, तो आपको एटलीस्ट 1 to 2 kg तो डिफरेंस पता ही चल जाएगी कि आपको बॉडी में कितना डिफरेंस आया है। जो कि सो गाइस, आप इसे ट्राई करना 7 days के लिए, आप देखना आपके इसके इफेक्ट आते हैं या नहीं आते हैं, तो आपके वेट में डिफरेंस है या नहीं। एंड गाइस, मैंने इसे कोई लंबा वीडियो नहीं रखा बिकॉज ऑफ मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप रात में खाना ना खाओ, ये ना करो, वो ना करो, बस आप इसे ट्राई करो। आप जैसे खाना खाते हो वैसे ही खाना खाओ, इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आप खाना अपना वेट कम कर दो। इससे क्या होता है, खाना कम करने से खासकर डाइट लोग को क्या रहता है, जिनके फैट ज़्यादा रहते हैं या जिनका वेट ज़्यादा रहता है, वो लोग सोचते हैं कि खाना नहीं खाने से उनके वेट लूज़ हो जाएंगे। मेरी सिस्टर भी यही सोचती, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप खाना कम खाओगे तो आपके बॉडी जो हो वो दिन पे दिन वीक होती जाएगी, और वीक होने से अच्छा है कि आप इस कुछ ऐसा ट्राई करो जिससे आपके बॉडी के फैट भी कम हो और आप अच्छे से हेल्दी भी रहो। तो आप बस इसे ट्राई करना आप 7 days में, और 7 days में अगर आप लोग को इसके इफेक्ट आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना। सो गाइज, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए और आप लोग के लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है।